सीएसपी एकेडमी आज एक नया फीचर इन बिल्ट लाइब्रेरी स्टार्ट कर रहा है। ये लाइब्रेरी इन हाउस स्टूडेंट जो हमारे यहाँ स्टूडेंट्स हैं उनके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। और इस लाइब्रेरी के साथ एक और फीचर है, जो लाइब्रेरी में जब बच्चे पढ़ रहे होंगे, मान लीजिए उनको कोई डाउट होगा, किस तरह की प्रॉब्लम्स होगी, यहाँ फैकल्टीज बैठे होंगे, वो सेम टाइम अपने डाउट्स को क्लियर कर सकता है। तो ये बाहर के लोगों के लिए भी लाइब्रेरी, ये हमारा बाहर के लिए नहीं है, ये सिर्फ हमारे इन हाउस स्टूडेंट्स के लिए है। और बेसिकली मैं हम लोग पहले से ही रिजल्ट ओरिएंटेड काम कर रहे हैं, जो क्लासरूम कंटेंट कितना बेस्ट हो, क्लासरूम सपोर्टिव कंटेंट कितना बेस्ट हो, तो क्लासरूम सपोर्टिव कंटेंट और एक अच्छा कॉम्पिटेटिव इन्वायरमेंट के लिए हम लोगों ने यह लाइब्रेरी स्टार्ट किया है। कितने बच्चे और कितने स्टूडेंट हैं आप? हमारे पास 100 के अबाउट स्टूडेंट्स हैं, और चूँकि 100 स्टूडेंट्स हैं, हम लोगों का वो कहते हैं ना स्मॉल इज ब्यूटीफुल, वो छोटे वाले उस पर कम बच्चों पर हम लोग काम करते हैं, क्योंकि वहाँ क्वालिटी होता है। और रिजल्ट ओरिएंटेड है, हमारे पास रिजल्ट्स हैं इन 66th मेंस एग्जामिनेशन, उसमें भी हमारे पास रिजल्ट्स हैं, प्रीवियस एग्जाम में भी हमारे यहाँ से फाइनल सिलेक्शन हैं, तो हम लोग बैक टू बैक रिजल्ट दे रहे हैं। कितना टाइमिंग खुलने के लाइब्रेरी का? कुछ लाइब्रेरी का टाइमिंग, अगर मान लीजिए सपोज दैट किसी बच्चे का मेंस है या इंटरव्यू है, तो उनके लिए 24/7 ओपन रहेगा, और जो रेगुलर हमारा टाइमिंग है वह 8 AM से 8 PM तक लाइब्रेरी का टाइमिंग होगा। अलग से चार्जेबल भी है? नहीं, कोई चार्ज उसका अलग से नहीं, वो फीस में ही इंक्लूडेड है चार्ज। फीस भी हम लोग का बहुत ही ये है, मिनिमम फीस पे हम लोग काम कर रहे हैं, बिकॉज ऑफ ऐसे स्टूडेंट्स जो कि अंडर प्रिविलेज कंडीशन में है, जो नहीं बेयर कर सकते हैं, उनको भी एक मौका मिले यहाँ से, ये हम लोग का पर्पस है। पूरे आपके यहाँ पूरे बिहार के बच्चे हैं? एग्जैक्टली नहीं, पूरे बिहार के नहीं, हमारे यहाँ अपार्ट ऑफ बिहार झारखंड से भी बच्चे हैं, और कुछ बच्चे यूपी से भी हैं, हमारे यहाँ यूपी से भी कुछ स्टूडेंट्स आए हैं, मुरादाबाद से स्टूडेंट्स हैं। क्या नाम हुआ आपका? मैं समीदा भारती, पटना से हूँ। मैं फाइनल ईयर कर रही हूँ बीटेक फ्रॉम कलिंगा यूनिवर्सिटी। तो यहाँ पे जो पढ़ाई कैसा होता है? यहाँ पे बहुत अच्छे से पढ़ाई होता है, बेसिक कॉन्सेप्ट फाउंडेशन वगैरह बहुत अच्छे से क्लियर करके पढ़ाता है, कंटेंट बहुत ही अच्छा होता है, होलिस्टिक और कॉम्प्रिहेंसिव मैनर में, मतलब करंट अफेयर्स के साथ भी अपडेटेड रहता है, तो बहुत अच्छे से ग्रास्प होता है। लाइब्रेरी भी आज ओपन हो रही है यहाँ पे, उससे कैसा फ़ायदा होगा? उससे ग्रुप डिस्कशन में बहुत हेल्प मिलता है। क्या नाम हुआ आपका? लक्की। कहाँ से आप? मोतिहारी से। मोतिहारी से? कितना दिन से यहाँ पे पढ़ा है और आपका? 4 महीने से। कैसा लगा यहाँ पे पढ़ के? बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। सर लोग का सपोर्ट कैसा है? अच्छे से। आज लाइब्रेरी भी यहाँ पे ओपन हो रहा है, कैसा फ़ायदा होगा? उससे हम लोग को बहुत हेल्प मिलेगा, कुछ भी मतलब प्रॉब्लम आएगा पढ़ाई में तो उसी टाइम पूछ सकते हैं सर से। मतलब देखिए यहाँ का माहौल बहुत सही है, यहाँ पर तैयारी करने का तरीका बहुत औरों से अलग है यहाँ पे, बहुत हाँ सब जगह से अलग। यहाँ कंपटीशन का जो है माहौल उत्पन्न करवाते हैं सर। आज से लाइब्रेरी भी ओपन हो रहा है यहाँ। हम यहाँ पर जो मेनली स्टूडेंट से ज़्यादा मेहनत करवाया जाता है। क्या नाम हुआ आपका? एक्चुअली मेरा नाम प्रिंस हुआ। कहाँ से आप हैं? मैं बक्सर से हूँ। बक्सर से? कितने दिन से यहाँ पढ़ रहे हैं? मैं यहाँ 4-5 महीने से पढ़ रहा हूँ सर के पास। कैसा लगा? बहुत अच्छा सर, मतलब सर इतने अच्छे हैं, इतने लोग सर अच्छे से ट्रीट करते हैं, क्या ही बताएं, लगता ही नहीं कि एक्चुअली वो हमारे सर हैं। अपना पन से पढ़ाते हैं? हाँ एकदम अपने मन से पढ़ाते हैं, मतलब एक्चुअली वो सर ऐसा पढ़ाते हैं जैसे कि हम लोग सर एकदम अपने। आज से एक और आप लोग को ऑप्शन मिल गया लाइब्रेरी। हाँ उससे कितना फ़ायदा होगा तैयारी करने में? बहुत फ़ायदा होगा लाइब्रेरी से सर, लाइब्रेरी हम लोगों के लिए ओपन कराया है कि हम लोग यहाँ बैठ कर सेल्फ स्टडी करें। नीतीश तिवारी। कहाँ से आप हैं? सिवान जिला से हूँ। सिवान से? यहाँ पे CSP एकेडमी में आप कब से हैं? आप पढ़ो CSP एकेडमी में, यहाँ पे 6 महीने से पढ़ रहा हूँ। कैसा है? UPSC फाउंडेशन कोर्स कर रहा हूँ यहाँ पे। यहाँ पे ये जो है अभिषेक सर के गाइडेंस में ही पूरा बैच चलाया जाता है, और बहुत अच्छा बैच चल रहा है यहाँ पे CSP एकेडमी में, और हम लोग का टारगेटेड 68 का बैच चल रहा है, इसमें मैं फाउंडेशन बैच में पढ़ रहा हूँ। कैसा लग रहा है यहाँ पे? आपको इत्मीनान है आप अपने सेहत पर? यहाँ पे मैं पूरी जब से आया हूँ तब से पूरा संतुष्ट हूँ। हर जगह से अच्छा? हाँ, हर जगह से संतुष्ट हूँ। यहाँ पे एक एक पॉइंट पे मतलब सर जो होता है सर के लोग द्वारा क्लियर किया जाता है हर एक बात को। आप कहाँ से हैं? हम सारण से हैं, सारण जिला सोनपुर से। सोनपुर से जी। तो यहाँ पे CSP में कैसा चल रहा है? CSP में मालूम चला हमको तो काफ़ी, हम आके विजिट किए यहाँ पे और सर से बात, विशेष सर से बात हुई मेरी, और फिर उससे बात सबसे बात होने बाद जो है मैंने ज्वाइनिंग किया, और काफ़ी शानदार यहाँ पढ़ाई हो रहा है,
और देखा जाए तो और इंस्टीट्यूट है, लेकिन यहाँ पे इंडिविजुअल स्टूडेंट पे खास कर ध्यान दिया जाता है। और किसी को अगर किसी खास सब्जेक्ट में अगर प्रॉब्लम है तो वो रुक के बाद में सर से डिस्कस कर सकता है, उसका समाधान निकाला जा सकता है। आज लाइब्रेरी का भी उद्घाटन हो रहा है, एक नया तरह से और भी आप लोग को थोड़ा सपोर्ट मिलेगा। हम लोग का इससे मनोबल बढ़ा है, काफ़ी पढ़ने में रुचि जो है, अपना इच्छा जो है काफ़ी आगे आया है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम लक्ष्मी सिंह है। कहाँ से आप हैं? बिहार से। सेसवे में अच्छी पढ़ाई होती है, टीचर्स भी बहुत फ्रेंडली है, इन्वायरमेंट भी बहुत फ्रेंडली है यहाँ का, टीचर भी बहुत कॉपरेटिव करते, बहुत मोटिवेट करते हैं। कितने दिन से यहाँ पे आप क्लास चल रहा? मुझे 3 महीने हो गए। कैसा रहा और सब जगह से? और सब जगह मैं जैसे पहली बार करी हूँ, मैं अंडर ग्रेजुएट हूँ। संतुष्ट हैं? हाँ। लोगों को क्या कहना चाहेंगे और स्टूडेंट लोग को? अगर आप लोग को अगर आप लोग को भी एडमिनिस्ट्रेशन में आना है तो आप बीपीसी करना चाहते हो, आप यहाँ आ सकते हैं। अच्छा, क्या नाम हुआ आपका? कहाँ से? सीतामढ़ी से। यहाँ पे कैसा पढ़ाई वगैरह हो रहा है, क्या कुछ? अच्छा है। आज लाइब्रेरी का भी ओपन होने वाला है, कैसा फ़ायदा होगा इससे? यही है, जो पहले बाहर जाते थे यही मिलते हैं तो अच्छा है।